कैसे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था, पिछले लेक्चर में है ना। हाँ, पिछले क्लास में रॉड के ऊपर हम लोगों ने देखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, रॉड था और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना। इस तरह से करके रॉड पे कुछ चार्ज हमने एज्यूम किया हुआ था और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ ना, लेमडा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, छोटे छोटे लेंथ में कितना चार्ज है वो हमारा लेमडा था। और वो हम लोगों ने देखा था कि ये वेरिएबल है या है ना, मतलब ये कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है ऑन लेंथ एल, है ना, या फिर एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो उसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद है ना, फॉर्मूले वगैरह भी हम लोगों ने सीखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर आर्क के कारण, सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना। ऐसे सपोज कर लेते सर्कुलर आर्क है, ये एक सर्कुलर आर्क हो गया, तो इसके कारण हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, ठीक है। अब ये चार्ज्ड सर्कुलर आर्क है, ये चार्ज्ड सर्कुलर आर्क है और ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है और इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है और ये इसका रेडियस आर है और ये सेंटर है। देखो ये अगर सर्कुलर ये सेक्शन होगा तो इसका ये सेंटर हो जाएगा, इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इसके कारण हम वो निकालने वाले हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है बेसिकली, थोड़ा पानी वगैरह पी वू करके बैठना थोड़ा सही से, क्योंकि हो सकता है कि एक घंटे से ऊपर का वीडियो हो सकता है कि ज़्यादा लंबा हो जाए, है ना। जितना होगा हम आज कोशिश करेंगे इसको निपटा ही दें, ठीक है। तो कोशिश करना है एकदम पेशेंस फुल्ली, एकदम पेशेंस रख लो, बैठो है ना, बस बैठे रहना घर में मस्त, नो टेंशन, इज इट ओके। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था कि ये चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है यहाँ पर। धीरे धीरे करके हम वैसे ही बात करने वाले हैं क्योंकि हम लोग जानते थे कूलम्ब लॉ के हिसाब से जो फोर्स लगता है वो होता है के Q1, Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये चार्जेस होते हैं दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बेसिकली निकालना है तो हमको इसको हटा देते थे, यहाँ पर बोलते के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला के छोटा सा चार्ज है बाय आर स्क्वायर, लेकिन ये चार्ज होना चाहिए पॉइंट चार्ज, छोटा चार्ज होना चाहिए, छोटा डायमेंशन का चार्ज होना चाहिए, बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है बहुत बड़ा सा आर्क है, पूरे फैला हुआ चार्ज है, तो क्या कर सकते हैं, तो हमको छोटा छोटा सेक्शन काटना पड़ेगा इसका, है ना। तो उसी कारण बात करना पड़ेगा, तो हम इस पिक्चर को, ये दिख रहा है अल्फा और इसका चार्ज पर लेंथ लेमडा, अल्फा लेंथ यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो हम बस इसी पिक्चर को थोड़ा अब अच्छे से बना दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके ताकि दिखे, है ना। ये पिक्चर है हमारे पास, सपोज करते हैं यही हमारे पास ये रहा आर्क। सिमिलर सा प्रोसेस जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास से पढ़ना स्टार्ट किए थे, फिर रोटेशन में पहुंचे थे, जिस तरह से प्रूफ किए थे उसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको प्रूफ करेंगे, इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका एक छोटा सेक्शन काटते हैं, एकदम छोटा सा, ये मान लेते हैं ये दो छोटा सेक्शन काटे, ये दिखने में बहुत बड़ा है बट है बहुत छोटा सा, कोई दिक्कत है। और इसका जो विड्थ है हम इसको कह देते हैं आर डी थीटा, क्योंकि इसने सेंटर पर छोटा सा एंगल बनाया, इसका नाम है डी थीटा। देखो ये सेंटर हो गया, सेंटर पर इसने छोटा सा एंगल डी थीटा बनाया हुआ है ना, ये देखो ये डी थीटा, ये छोटा सा एंगल ये वाला, और यहां से एज्यूम कर लेते ये एंगल हो गया थीटा, थीटा एंगल है यहां से, ये देखो वाई एक्सिस से एंगल इधर की तरफ थीटा, ये सिमेट्रिकल लाइन हम एज्यूम कर रहे हैं इसको, कोई दिक्कत है, यहां से यहां तक थीटा हो गया और ये छोटा सा एंगल हो गया डी थीटा। हम कहना चाहते हैं इसका चार्ज का नाम हो गया डी क्यू, पता नहीं आर डी थीटा क्यों होता है, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो लेंथ इक्वल टू आर डी थीटा आ जाएगा। हमको इसका चार्ज निकालना है डी क्यू, तो डी क्यू क्या आ गया लेमडा इंटू इसका लेंथ आर डी थीटा, ये हो गया चार्ज छोटे से सेक्शन का। तो इस छोटे सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा, जिसका नाम हो जाएगा डी, इस सिर्फ सेक्शन के कारण, इस सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा, इसका नाम हो जाएगा डी। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम अगर इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दें और एक्सिस भी बना देते हैं यहाँ पर,
तो हम देखेंगे कि ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल ये हमारा थीटा बन जाएगा, तो जिसके कारण दो कंपोनेंट हमको दिखने लगेगा यहाँ पर से। तो डी का कॉस थीटा कंपोनेंट इधर दिखेगा और डी का साइन थीटा कंपोनेंट इधर दिखेगा। इधर क्या दिखेगा हमको? डी का कॉस थीटा, इधर दिखेगा हमको डी का साइन थीटा कंपोनेंट। समझ में आ रही बात? और अगर ये सिमेट्रिकल है तो हम कह देंगे कि इसके जस्ट इधर के भी सिमेट्रिकल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ आएगा और उसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इधर वाले को कैंसिल आउट कर देगा और इधर वाला जुटते जाएगा। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ डी कॉस थीटा कारण आना चाहिए। फिर सुन लो हम क्या बोलना चाहते हैं। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी जितना चार्ज इधर उतना ही चार्ज इधर है, तो इधर वाला इस सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें हम इधर की तरफ आ रहा है, इसका दो कंपोनेंट हमें ले लिए इधर। इसका अगर यहां पर जस्ट जितना दूर इधर है उतना ही थीटा इधर पर एक चार्ज भी बनेगा, वो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनने वाला है। इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे ऐसे और ऐसे, तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ यही वाला ना जुटेगा, तो हम इसी को ऐड करते जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा अगर हम आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालना चाहते हैं तो डी कॉस थीटा को हमको ऐड करना पड़ेगा थ्रू आउट द, यहां से यहां तक है ना, थ्रू आउट द सेक्शन या थ्रू आउट द आर्क। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो हमारा निकल रहा है वाई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा। यानी कि डी कॉस थीटा को छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं उसको हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन, इसलिए हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब डी क्या हो जाएगा, पहले तो हम बात करते हैं डी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो के इस छोटे से चार्ज का वैल्यू डी क्यू अपॉन यहां से तक कर लेते कितना आर है, रेडियस आ रही है तो पूरा हर जगह से आर ही रहेगा, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, के छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो के लिखेंगे डी क्यू की जगह कोई लिख देंगे लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से आर खत्म हो गया तो यहां से निकल करके आ रहा है के लेमडा अपॉन आर और इंटीग्रल में cos थीटा इंटू डी थीटा। अब बात करते हैं लिमिट का, तो थीटा का वैल्यू हम लगाते हैं यहां से जीरो से लेकर के ये पूरा एंगल, याद है पूरा एंगल अल्फा था पूरा, ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा बाय टू। हम कहते हैं थीटा का वैल्यू जीरो से लेकर के अल्फा बाय टू तक जाते हैं तो सिर्फ इतना सेक्शन जुटेगा और उसको दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दो से और इंटीग्रेशन करते हैं जीरो से लेकर के अल्फा बाय टू तक। सॉल्व कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है 2k लैम्डा बाय r तो बाहर जाएगा, 2k लैम्डा बाय r तो बाहर जाएगा, cos थीटा sin थीटा का होता है वैल्यू, यहां से जाएगा sin थीटा 0 से लेकर के अल्फा बाय 2 तक। तो क्या निकल करके आ रहा है 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा बाय 2 और माइनस में sin 0 डिग्री, है ना। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट कर लेंगे, sin 0 का वैल्यू 0 हो गया तो मेरे पूरा वैल्यू ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया इस आर्क के कारण यहां पर इस डायरेक्शन में आया, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया जिसका वैल्यू हो जाएगा 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा बाय 2। कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा बाय 2। यानी कि अगर हम अल्फा का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको अलग अलग मिलते जाएगा। चलो अब अगर इसी में केस लेते हैं फटाफट, केस नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं इस तरह का अगर हमको चार्ज दिया हुआ है ना ये इस तरह से, तो इसे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, एकदम सिमेट्रिकल लाइन है, देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये से। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल एंगल कितना बना 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बनेगा ई का वैल्यू 2k लैम्डा अपॉन r sin 45 डिग्री, है ना, 90 बाय 2 तो sin 48, sin 45 1 बाय √2 हो जाएगा, √2 से √2 खत्म हो गया, क्या बचा √2 k lambda upon r in this direction। समझ में आ गया। अगर हम उसी में केस 2 लगा दें, सेमी सर्कुलर रिंग है इस तरह से, एंगल क्या बनेगा इस बार 180 डिग्री बन जाएगा, है ना, ये 180 डिग्री बन जाएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल लाइन के जस्ट इधर की तरफ, देखो सिमेट्रिकल लाइन के जस्ट बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा 2k lambda upon r sin 180 by 2 यानी कि 90 डिग्री, sin 90 वैल्यू 1 होता है, सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2k lambda by r इन दिस डायरेक्शन, इज दैट ओके। चलो कॉपी कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं।
लाइट कम हो गया था, एक ट्यूबलाइट जगाए नहीं थे। चलो देखो यहाँ ध्यान से, अगर यही अभी हम लोगों ने निकाला है कि एक आर्क है जिसका एंगल यहाँ पर अल्फा बन रहा है, ये चार्ज्ड रिंग है उसके कारण, या सॉरी आर्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है इधर की तरफ। दो केस देख चुके थे, तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, केस नंबर थ्री। अगर मेरे पास इस तरह का सेक्शन दिया हुआ है ना, ऐसा नहीं है, देखो ये वाला सेक्शन है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो सिमेट्रिकल लाइन से बाहर की तरफ, सिमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इधर आ जाएगा है ना, तो इसके कारण इधर की तरफ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। E का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल एंगल कितना बनाइए देखो, तो 270 डिग्री नहीं बन रहा, 270 डिग्री, तो यहां पर अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 270 डिग्रीज। सॉल्व कर लोगे 270 का आधा कर लोगे है ना, एक तो ये तरीका हुआ। हम दूसरे तरीका सिखाते हैं इसको। एज्यूम करो कि ये प्लस चार्ज है पूरे पे, देखो ध्यान से, और ये भी प्लस चार्ज है यहां पर, इवन उधर भी है प्लस चार्ज, लेकिन हम इसी दोनों पे भी बात करना चाहते हैं। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये दोनों कैंसिल आउट ना कर जाएगा, तो बचेगा तो सिर्फ यही वाला ना, तो सिर्फ इस सेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उसी के बारे में बात कर सकते हैं। और इस सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाले 90 डिग्री वाला, याद है ई का वैल्यू क्या था, 2k λ/r और साइन 45 डिग्री, याद है, यह ना हो जाएगा साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 खत्म हो जाएगा, √2k λ/r ऐसे भी निकालोगे तो भी यही आएगा, और अल्फा बाई टू करोगे तो भी यही आएगा, कोई दिक्कत। केस नंबर फोर के ऊपर बात करते हैं। अगर सर्कुलर सेक्शन है, सर्कल के कारण सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, फटाक सोच के देखो इसी के हिसाब से, इस सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दोनों खत्म हो गया। सिमिलरली इस सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस सेक्शन का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या जाएगा, जीरो। नहीं तो अगर अल्फा का वैल्यू 360 डिग्री रख लोगे तो भी जीरो आएगा, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू तो वो जीरो हो जाता है ना, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो भी जीरो आ जाएगा। तो सर्कुलर सेक्शन के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो ही आएगा। अगर हम इसी तरह से केस नंबर फाइव के ऊपर बात करते हैं, अगर हमको कुछ इस तरह से दिया हुआ है वैल्यू, ये रहा चार्ज वायर, ठीक है, और इसका एंगल दिया है 60 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, तो जस्ट सिमेट्रिकल लाइन यही बनेगा, सिमेट्रिकल लाइन से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और ई का वैल्यू क्या जाएगा, 2k λ/r और साइन टोटल एंगल कितना 60 का आधा, यानी 30 डिग्री, साइन 30 को लोहा पता है क्या, यानी k λ/r हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन, इज दैट ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, अगर ये एंगल 30 ये भी 30 डिग्री हो गया, तब इस E के दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर बोलेगा X और Y के तरफ तोड़ताड़ करके ही दिखाओ, तब फिर बताओ कि E का तो क्या बनेगा, तो k λ/r का cos 30 इधर बनेगा, यानी k λ/r का cos 30 डिग्री इन दिस डायरेक्शन, और k λ/r sin 30 डिग्री इन दिस डायरेक्शन। तो अगर हम E वेक्टर के रूप में लिखेंगे इसको, अगर बोल दे इसको वेक्टर के रूप में लिख के दिखाओ, तो क्या लिखोगे, k λ/r sin 30 को हाफ होता है, यानी कि 2 हो जाएगा ना, बाय 2 इन आई कैप है ना, माइनस में आई कैप, अब प्लस में ये हो जाएगा k λ/r, और cos 30 को √3/2 होता है, √3/2, अब माइनस में ये, सॉरी माइनस में j कैप हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा माइनस में आई कैप, क्योंकि ये भी माइनस में है। तो दिस इज योर कंप्लीट इन दिस वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर के तरफ से हम ऐसा लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखोगे तो इधर की तरफ आ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत। चलो जल्दी से कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगर मान लेते हैं सर्कुलर सेक्शन है दिया हुआ इस तरह से, ठीक है, और बोल दिया इस सेक्शन में, यहां से यहां तक जो सेक्शन है इसमें हमको माइनस में लैम्डा दिया हुआ है और ये प्लस में लैम्डा दिया हुआ है, यानी कि इधर माइनस चार्ज है, इधर की तरफ प्लस चार्ज है, फिर यहां से यहां तक में माइनस में लैम्डा और फिर इसमें है प्लस में लैम्डा चार्ज दे दिया है, कह रहा है इसी कारण सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये बताओ।
अभी अभी देखिए सर्कुलर सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता था, लेकिन तब था जबकि हर जगह सेम चार्ज था, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है इस सेक्शन में अलग चार्ज है, इसमें अलग चार्ज है, इसमें यानी समझ में आ रहा है बात, इसमें निगेटिव चार्ज आ रहा है और इसमें प्लस चार्ज आ रहा है, इसमें फिर से माइनस चार्ज है और इसमें प्लस चार्ज है, तो इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, ऐसे कुछ दे दिया है, तो कैसे डील करेंगे इसको, तो भाई प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगा, अबे इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा, इस माइनस कारण अंदर की तरफ निगेटिव में अपने तरफ ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस माइनस कारण भी इधर ही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा फिर से देख लो जीरो ही आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी जीरो ही है। क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, यहां पर रिज्यूम कर लेते हैं, इस वाले में प्लस में लैम्डा दिया हुआ है और इसमें प्लस में लैम्डा दिया है, लेकिन इधर की तरफ माइनस में लैम्डा दिया है, इधर की तरफ माइनस में लैम्डा दे दिया है, ठीक है, यहां पर माइनस में लैम्डा दिया, यहां पर प्लस में ही लैम्डा दे दिया है, अब पूछ रहा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इस वाले का, तो अगर हम कह दें इस वाले सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि तीनों ये वाला सेक्शन तो प्लस है और ये भी प्लस है, ये माइनस है और फिर से ये प्लस हो गया, तो भाई अभी अभी सीखे हैं कि इस दोनों कारण तो सेक्शन खत्म है, प्लस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, इस प्लस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, ये दोनों तो खत्म हो गया, यानी इस दोनों की स्टडी करनी नहीं है हमको, है ना, ये दोनों तो नहीं रहा, अब देखो प्लस कारण किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, लेकिन इस माइनस कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आने वाला है, यानी कि 2e इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इधर की तरफ कितना बनेगा 2e, अगर हम ऐसे करके देखें इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2e आ जाएगा, है ना, ऐसे करके, और एंगल क्या होगा 45 डिग्री पर, कितना हो जाएगा 45 डिग्रीज पर, और e का वैल्यू अभी सीखे थे, e का वैल्यू क्या था 2k लैम्डा बाय r और साइन 90 का आधा, e का e एक सेक्शन कारण यानी 90 डिग्री वाले कारण, यानी कि 45 डिग्री, यानी कि रूट 2k लैम्डा बाय r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2√2 के लेमडा बाय आर, अगर हम अब इसको दो सेक्शन में तोड़ दें तो भी हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर में रूप में, है ना, अगर हम ई वेक्टर के रूप में लिखे इसको तो क्या लिखेंगे 2√2 के लेमडा बाय आर का कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री, और दोनों रहेगा माइनस में ही, तो क्या लिखें माइनस में 2√2 के लेमडा बाय आर साइन 45 डिग्री आई कैप माइनस में 2√2 के लेमडा बाय आर कॉस 45 डिग्री जे कैप, दोनों ही माइनस में ही है, और अगर हम 45 से ये बाय रूट टू खत्म हो गया, तो क्या बचा 2 के लेमडा बाय आर, तो दोनों में आ रहा है, तो माइनस में आई कैप माइनस में जे कैप, दैट्स योर आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, समझ में आ गया ये दोनों सवाल, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहां पर दिया माइनस में लैम्डा, यहां पर दिया प्लस में लैम्डा, और यहां पर दे दिया हमको माइनस में 2 लैम्डा, और यहां पर दिया प्लस में 2 लैम्डा, ठीक है, अब पूछ रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहां पर कहां होगा, कितना होगा, तो बन जाएगा ये आराम से देख लो, तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा ऐसे, जिसको हम कह देंगे ई, माइनस करण अपने तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कह देंगे ई, 2 लैम्डा है तो इसके कारण इधर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डबल ई, मतलब दो गुना चार्ज है यहां पर, और 2 लैम्डा भी है तो इससे दो गुना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, माइनस 2 ई है तो माइनस के तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए उससे दो गुना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, इसलिए नाम लेगा 2 ई, अब देखें अगर इस पॉइंट पर, है ना, इधर का कॉपी हो गया क्या, चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको, जल्दी कर लो इसको कॉपी, ठीक है, तो अगर हम इस सेक्शन को देखें इस वाले पॉइंट पर थोड़ा ध्यान से, तो 2e में से एक e खत्म हो गया क्योंकि वोल्टेज डायरेक्शन में, तो सिर्फ एक e इधर की तरफ बनेगा, और 2e में से एक e खत्म हो जाएगा तो एक e इधर बनेगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इस दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, तो जो रिजल्टेंट आने वाला है वो तो आने वाला इधर की तरफ ही है, इसका वैल्यू हो जाएगा √2, यानी कि e नेट क्या आया यहां पर से e √2, और e का वैल्यू क्या था
2k लैम्डा बाय आर और साइन 45 डिग्री यानी कि बाय रूट 2 था, यानी कि बेसिकली आ रहा है रूट 2k लैम्डा बाय आर, रूट 2k लैम्डा बाय आर इनटू रूट 2, यानी कि हो गया 2k लैम्डा बाय आर इन आई कैप माइनस में आई कैप। इस वाले सेक्शन का आंसर समझ में आ गया। फिर से देख लो, माइनस चार्ज कारण अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये इधर की तरफ आ गया, प्लस कारण अवे जाता है इसे 2e इधर की तरफ दिखा दिए, माइनस के तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड 2e इधर की तरफ आ गया, अब फिर इस प्लस कारण उधर की तरफ ही चला जाएगा है ना अवे, तो दो में से एक e चला गया तो क्या बचा, एक e इधर की तरफ आ जाएगा, अब दो e में से एक e चला गया तो एक e इधर की तरफ आया तो एक e इधर हो गया, दोनों के बीच अगर 90 डिग्री है तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ई रूट 2 आ जाएगा, तो ई रूट 2 हम इधर खींच लिए, अब ई का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो अभी बताया ना, तो 2k लैम्डा बाय r और साइन 90 का आधा हो जाएगा, यानी कि रूट 2 हो जाएगा यहां पर से 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 से यहां पर खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 2k लैम्डा बाय r आ जाएगा। अभी अभी सिखाए आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, छापो जल्दी से अगली तरफ बढ़ते हैं। अब जो होगा उसको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगा यहाँ पर, अभी उसको फैक्ट के रूप में भी याद रखना है और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के रूप में तो याद रखना है, ट्रिक के रूप में ऐसे याद रखो, जैसे भी रखो याद वो रखना है, हम जो बता रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखना सबसे पहले, ठीक है, कि एक मान लेते हैं अभी, अच्छा हम लोग पिछले ही लेक्चर में सीखे हैं ये चीज़ है ना, एक रॉड था चार्ल्स रॉड था है ना, और एज्यूम कर लिए थे कि यहाँ पर हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल बताया थे अल्फा था और ये एंगल था बीटा, और ये मान लेते हैं सेंटर से यहां से यहां तक का लेंथ हम आर ले रहे हैं, अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने शायद डी लिया था या फिर ए लिया था, इसके ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो इसके दो कंपोनेंट बताए थे, एक था इधर की तरफ और एक था इधर की तरफ, एक था ई परपेंडिकुलर है ना, ये ना था ई परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका वैल्यू क्या बताए थे के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा इन दिस डायरेक्शन, और एक पैरेलल डायरेक्शन में बताए थे के लैम्डा बाय आर और कॉस जिधर लिए हैं उधर के एंगल में से दूसरे साइड को घटाने बोल देते हैं, माइनस में कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है यहां तक। इसी तरह से अगर हमको एक सर्कुलर आर्क दे दिया है, ध्यान से देखना, हम इसी को अब बदल करके हम एक आर्क के रूप में हम इसको समझना चाहते हैं, हमको एक आर्क दे दिया ऐसे करके अजीब सा, ठीक है, और कह रहा है ये रहा इसका सेंटर, ठीक है, सेंटर पर इसने इधर से मान लेते अल्फा एंगल बना रहा है और ये बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसका भी जो ये देखो ध्यान से देख लो, ये अगर इधर से बीटा एंगल यहां बनाया तो हम इसका बीटा का वैल्यू थोड़ा यहां से आता कार्क है, ये हो गया बीटा, ठीक है, और हाँ ये हो गया अल्फा, ठीक है, ये है हमारा आर्क, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, हम जानना चाहते हैं आर्क को हम ऐसे रख दिए हैं जिसका कि वही लैम्डा है और ये इसका रेडियस आर का आकार है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा जो हम यहां निकाले हैं एकदम टिट्टो, ये दोनों सेम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन को हम कर देंगे ई एक्स का वैल्यू जो आएगा वो क्या जाएगा बोलो के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में जो आएगा वो क्या हो जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन सॉरी कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा, यानी कि जो आर्क है और रॉड है दोनों में कोई चेंज नहीं है। एक और चीज देखो कि हम जब रॉड बना रहे थे ये इस आर्क को बनाए थे तो हम एक लाइन को हम ऐसे खींच दिए थे, ये देखो तो रॉड अगर इतना बड़ा रहे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है और आर्क अगर ऐसे हम खींच लें तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, यानी कि अभी जो कमाल का काम करेंगे उसको देखना, अभी यहाँ से टेलीस्कोपी करो, इसको इसमें लिख लो ऐसे, ठीक है,
एनालॉजी है ना, ऐसे करके लिख लो, एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन आर्क एंड रॉड है ना, ये करके लिख लो इसको, जल्दी से लिखो, अभी तो कमाल होने वाला है। तो सबसे पहले नंबर में हम केस नंबर वन पे बात करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास एक रॉड दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये लेंथ ए दिया हुआ, ये भी लेंथ ए दिया हुआ, ये भी लेंथ ए दिया हुआ है, और ये चार्ज्ड है जिसका कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, कह रहा है इसके कारण। ये सवाल हम लोगों ने पिछले क्लास में बना लिया हुआ था पिछले फॉर्मूले की तरह से। आज अभी हम कुछ कमाल का चीज सीखे, उसका हम यूज करते हैं। अगर ये ए है और ये ए है तो हम इतना जानते ही हैं कि यहां पर एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत है? तो हम इससे क्या सीखे? कुछ नहीं। हम अभी क्या सीखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रॉड का होगा वही आर्क का होगा। हम एक आर्क बना लेते हैं ऐसे करके, है ना, ए लेंथ का ही यहां से यहां तक एक आर्क बना लेते हैं। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो रॉड का है वही आर्क का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रॉड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आर्क दैट इज इक्वल टू, अभी तो सीखे हैं 2k लैम्डा बाय आर, और साइन एंगल याद है अभी अभी अभी, देखो ये टोटल एंगल कितना 90/2, यानी कि 90/2 कर लो, एकदम आसानी से आ गया। क्या आ गया देखो, तो 2k लैम्डा अपॉन आर और साइन 45 डिग्री, ये रूट टू आ जाएगा इधर, क्या रूट 2k लैम्डा अपॉन आर। अब अगर तुम वैसे निकालते हो कैसे अभी है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रॉड ही निकाल रहे थे, वो फॉर्मूला क्या था, के लैम्डा बाय आर और साइन अल्फा भी 45 डिग्री, अब प्लस में बीटा भी 45 डिग्री, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रूट बाय रूट 2 आ जाएगा यहां पर से, तो 2 अपॉन रूट 2 के लैम्डा बाय आर, देखो तो घूम फिर करके वही आ गया क्या, रूट 2 के लैम्डा बाय आर। हम तो यही तो कह रहे थे कि रॉड का और आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता है, तो यानी कि रॉड का बोलेगा तो हम आर्क का लगाएंगे, मजे आ गए। यानी कि रॉड का जो इतना कचड़ा सा फॉर्मूला था हम इसको अब अवॉइड भी कर सकते हैं अगर हमको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रहे तो, लेकिन आना चाहिए ये अप्लाई करने का तरीका पता रहना चाहिए, ठीक है। केस नंबर 2 पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसे कंडीशन दिया हुआ है, ये गया कहाँ गया, कहीं नहीं गया, ठीक है, हाँ ये यहां तक है ऐसे, ये इधर इन्फिनिटी तक चला गया है, कह रहा है इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ ए डिस्टेंस पर, इवन यहां पर डिस्टेंस ए था, आर के जगह पे हम ए यूज कर लेंगे, ठीक है, ये देख लेना थोड़ा ध्यान से, ए है यहां पर हर जगह, ठीक है, क्योंकि यहां पर रेडियस ए है तो हमको ए यूज करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सही सर। के का वैल्यू पता है ना सबको, 1/4π0, वो भी लिखना पड़ेगा, अरे 1/4π0 लैम्डा अपॉन ए, तो यहां से हो गया 2√2 है आई थिंक, लैम्डा अपॉन 2√2π0, ये फाइनल रिजल्ट ऐसा ही आंसर में दिखेगा ऐसा ही, लेकिन हम लोग सॉल्व तो कर ही सकते हैं। अब हमको ये दिया, ये क्या है बताओ, सेमी इन्फिनाइट वायर है क्या, पिछले क्लास में लोगों देखे थे इसको, सेमी इन्फिनाइट वायर है ये, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अगर, तो हम एक काम करते हैं आर्क बनाते हैं, इन्फिनिटी है ये कहां से कहां तक जाएगा, 90 डिग्री जाएगा ना, पिछले क्लास में सीखे थे, यानी कि आर्क जो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा 90 डिग्री तक का, वो दिक्कत है, तो ये 90 डिग्री बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, सिमेट्रिकल लाइन के इधर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वही अभी जो 90 डिग्री वाला सीखे हैं, क्या सीखे हैं, 90 डिग्री √2 k λ/r हो जाएगा ना, तो ये क्या जाएगा √2 k λ/a इस डायरेक्शन में, तब इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे ऐसे और ऐसे, का कॉस कर लेंगे और साइन कर लेंगे, क्या बनेगा k λ/a और k λ/a, अरे पिछले क्लास में ये तो सीखे थे k λ/a इधर होता है, k λ/a इधर की तरफ होता है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया बात। फिर से देख लो, अगर सेमी इनफिनाइट वायर है तो इसका लेंथ हम बहुत लंबा लिए हुए हैं, तो इस कारण हमें इसको अब हम रिप्लेस कर दिए हम एक आर्क से, हम बोल रहे हैं कि जो रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही आर्क का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आर्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता था ना वही रूट, अरे 2 k λ/r sin α/2 हम वही लगा दिए, तो उसके हम ये आ गया
45 डिग्री बनेगा ना बाबा, तो कॉस 45 करोगे तो रूट से खत्म ही हो जाएगा, इधर का भी साइन 45 करोगे रूट खत्म हो गया, ये दोनों आ गया हमारे पास रिजल्ट। अगर हम केस नंबर 3 पर बात करें, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड है ना, चार्ज्ड रॉड के ऊपर बात करते हैं, इनफिनिटली चार्ज्ड रॉड है, देख लो इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, इसे हम बोल रहे हैं यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी कि इन्फिनिटली हो गया तो हम क्या करेंगे, इधर भी 90 बनाएंगे आर्क वाला, इधर भी 90 बनाएंगे, तो सेमी सर्कुलर बन गया, ये क्या बन गया सेमी सर्कुलर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रूट टू एंड जो सॉरी 2k लैम्डा अपॉन r और साइन 180 का आधा यानी 90 डिग्री, तो बेसिकली क्या आ गया 2k लैम्डा अपॉन r और 2k के जगह क्या लिखें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, अगर ये r है तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले क्लास में ये सारा डिटेल में हम निकाले थे, आज सेम रिजल्ट को आर्क के हिसाब से हम निकाले हैं, यही चीज हम यहां पर काम किए और कुछ भी नया काम नहीं किए हैं। कॉपी करो जल्दी से, एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पर इसी के कंटिन्यूएशन में, एक रॉड दिया हुआ है, इस रॉड का लेंथ दिया हुआ है रूट थ्री ए, और इसने ए लेंथ पर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो हमको पता चल चुका है कि एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, और अभी हम सीखे हैं कि एक आर्क हम बना सकते हैं, तो हम एक आर्क बना लेते हैं यहां से, तो 60 डिग्री का एक आर्क बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा, इसके सिमेट्रिकल लाइन के है ना, थोड़ा एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये 30 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ चला जाएगा, यानी यहां से 30 डिग्री अगर ऐसे बनेगा तो ये तो 30 डिग्री आ गया ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r और साइन टोटल एंगल 60 था ना, तो 60 का आधा यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ जाएंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो अगर हम e वेक्टर के रूप में लिखेंगे क्या लिखेंगे k लैम्डा अपॉन r का cos 30 डिग्री इन i कैप डायरेक्शन में, cos 30 डिग्री माइनस आई कैप डायरेक्शन में, और इधर हो जाएगा प्लस में k लैम्डा अपॉन r sin 30 डिग्री इन माइनस में, ये j कैप में हुआ जी, क्या हर बार हम गलती कर रहे हैं, माइनस में i कैप है ना, ऐसे हम पास कर गए t सॉरी, तो ये हो गया हमारे पास रूट थ्री बाय टू है ना, रूट थ्री बाय टू k लैम्डा अपॉन r माइनस में j कैप और प्लस में 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 k लैम्डा अपॉन r माइनस में i कैप, दिस इज योर कंप्लीट आंसर, k के जगह पे 1/4 पे ऑप्शन 0 वो पुट कर लेना है, समझ में आ गया, कोई तकलीफ है इसमें तो जल्दी से कॉपी करो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो एकदम इजी हो गया ना रॉड वाला बनाना, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने सीखा था एक मेथड जिससे कि हम लोगों ने फॉर्मूला ही निकाल लिया था, उसके कारण फॉर्मूला पुट करते चले गए थे, आज हम लोगों ने बस ये सीखा है कि सेमी सर्कुलर जो रिंग है या फिर आर्क है उसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छी 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 देखो क्या किया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एज्यूम करते हैं मेरे पास एक आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क ऐसे है, ठीक है ऐसे नहीं ऐसे है और एक ऐसे, ठीक है, यहां पर ये दिया है प्लस में, प्लस ज्यादा हो गया, हम अगर इसमें यहाँ पर प्लस लेमडा है और यहाँ पर माइनस में 2 लेमडा दिया हुआ है, और ये आर है और ये यहाँ पर 3 आर दे दिया है, अब पूछ रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ कितना होगा, एकदम आसान हो गया क्या, देखो तो भाई पहले नंबर में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर की तरफ होगा, या हम ई1 कह देते हैं इसको,
और इस माइनस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जिसको हम कह देंगे ई टू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे किधर की तरफ ज़्यादा है किधर की तरफ कम है, है ना। तो पहले तो हम निकाल लेंगे E का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 बराबर 2k लैम्डा अपॉन r, है ना, और 90 डिग्री है तो बाय रूट 2 हो जाएगा, तो रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा, रूट 2 k लैम्डा अपॉन r हो गया ऐसे। और E2 के बारे में क्या ख्याल है, E2 क्या हो जाएगा, वही 90 आने वाला है, तो यानी रूट 2 k लैम्डा का जब क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है 3r, यानी कि रेडियस हो जाएगा 3r। समझ में आया कि नहीं आया, देखो रूट टू तो आ गया ही, के भी आ गई, लेमडा के जगह पे इसका था 2 लेमडा उधर की तरफ अब बाय 3r, यानी कि बेसिकली ये हो गया रूट 3 रूट 2 के लेमडा बाय r, यहाँ भी आ रहा है और ये हो रहा है 2 रूट 2, यानी इसको अगर हटा दें रूट 2 के लेमडा बाय r, यानी कि ये 0.6 समथिंग आ रहा है, यानी कि यही ज़्यादा है ना। तो ई नेट क्या आ रहा है, देखो तो ई वन माइनस में तब ई टू आ गया, तो ई वन में से टू हटा देंगे तो क्या बचेगा, रूट टू के लेमडा बाय आर तो बाहर आ गया, वन माइनस में रूट टू के लेमडा बाय आर बाहर आ गया, तो टू बाय थ्री बचेगा, तो थ्री में से टू चला गया तो वन हो गया क्या, तो रूट थ्री सॉरी रूट टू बाय थ्री के लेमडा बाय आर इन दिस डायरेक्शन, इज इट ओके, दैट्स योर आंसर। छपते जाओ जल्दी सर, चार नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार इस तरह से दिया हुआ है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, और जो यहां पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जबकि ये लेंथ आर दिया हुआ है, ये लेमडा है और ये भी लेमडा है और ये भी लेमडा है, तो कह रहा है यहां पर वो पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, जीरो होगा, क्यों होगा, देखना हम इसको सोचते हैं ऐसे, हम इस चीज को सोचते हैं ऐसे, यहाँ पर तीन चीज दिख रहा है हमको, अगर हम थोड़ा इसको ऐसे एनालाइज कर लें, एक तो सेमी सर्कुलर सेमी इन्फिनिटी का रॉड दिख रहा है हमको ऐसे, एक ये भी सेमी इन्फिनिट रॉड दिख रहा है, और एक हमको दिख रहा है सेमी सर्कुलर, है ना, इस तरह सेमी सर्कुलर रिंग दिख रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है यहाँ पर के लैम्डा अपॉन आर होता है इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन होता है के लैम्डा अपॉन आर, है ना, हम ई के जगह पे लिख देते हैं के लैम्डा अपॉन आर होता है, और इसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टू के लैम्डा अपॉन आर इन दिस डायरेक्शन आ जाएगा, तो चलो हम इधर की तरफ इसको हम लिख देते हैं, अब टू ई लिख देते हैं इसको, है ना, क्योंकि देखो के लैम्डा अपॉन आर को अगर हम ई लिखेंगे इसको टू ई लिख देंगे आसानी हो जाएगा, आसानी से हम इसको डील कर सकते हैं, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है एक आ रहा है ई इधर की तरफ और एक ई आ रहा है इधर की तरफ, इसके कारण देखेंगे दोनों, है ना, इसके कारण अगर हम इस पॉइंट पर देखेंगे क्योंकि वही आर ओ पोजीशन पर है, ये ओ पोजीशन ही बना रहे हैं तीन जगह, एक यहाँ पर एक, तीनों का अलग अलग है, तो एक तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा इसको ई कहेंगे, और एक ई इधर की तरफ आ जाएगा, यानी ऊपर की तरफ हो गया टू ई, नीचे की तरफ हो गया टू ई, एक ई दूसरे ई को ख़त्म कर दिया, यानी ना इधर रहा ना इधर रहा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, जीरो, ई नेट क्या हो गया, बोलो जीरो, नहीं समझ में आ बात, इसके कारण सिर्फ इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2k लैम्डा बाय r इन दिस डायरेक्शन, यानी कि नीचे की तरफ हो गया बेसिकली 2k लैम्डा बाय r नीचे की तरफ, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया k लैम्डा बाय r, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो यह कचरा है ना, ट्यूबलाइट जलने लगता है, तो यहां से हो गया 2k लैम्डा बाय r और सेमी सर्कुलर रिंग के कारण नीचे की तरफ, एक इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के लैम्डा बाय आर इन दिस डायरेक्शन, और एक हो जाएगा ऊपर की तरफ के लैम्डा बाय आर इन दिस डायरेक्शन, इसके कारण देखा जाए तो एक किधर की तरफ हो जाएगा के लैम्डा बाय आर और एक ऊपर हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, देखो टू के लैम्डा बाय आर टू के लैम्डा आर खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, इनट क्या मिला, जीरो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच, मजा आ गया तो मजे तो नहीं, यहां पर एक सेमी सर्कुलर सेक्शन बना हुआ, कह रहा है यहां पर बताओ, है ना, ये फिर से इन्फिनिटी से आया था और ये इन्फिनिटी को चला गया है, पूछ रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, पता है ना,
इसके कारण कैसे कैसे बनेगा इस वाले पॉइंट पर, इसके कारण सिर्फ है ना। बेसिकली हम इसको फिर से सोच सकते हैं, तीन तरीके सोच सकते हैं इसको, है ना। एक तो यहाँ पर सेमी ये वाला ले लिए ऐसे, एक ऐसे ले लेते हैं इसके कारण है ना 90 डिग्री वाला, और एक इसके कारण ले लेते हैं जो इंक्रीज आ रहा है, ये भी इंक्रीज आ रहा है, इन्फिनिटी सी आ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, एक तो बनेगा इधर के लेमडा बाय आर इधर की तरफ, के लेमडा बाय आर इधर की तरफ, इसे देखा जाए यहाँ पर है ना, इसके कारण यहीं पर दिख रहा है, स्वयं यहाँ बना रहे हैं। एक ऊपर की तरफ हो जाए के लेमडा बाय आर, और इधर हो जाए के लेमडा बाय आर, यानी कि ये दोनों तो खत्म हो गया। और इसके कारण इधर की तरफ बनेगा, इसका नाम था रूट टू के लेमडा बाय आर, अभी इसी कहते हैं रूट टू के लेमडा बाय आर इधर की तरफ आ जाएगा। तो देख लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया है ना, तो बेसिकली बहुत कुछ हो गया। ये वाला तो भाई कैंसिल आउट हो गया, साफ साफ दिख रहा है। अब रूट टू के लेमडा बाय आर वाले को भी सेक्शन तोड़ सकते हैं ना फटाफट इधर की तरफ, तो के लेमडा बाय आर इधर की तरफ हो जाएगा और के लेमडा बाय आर इधर की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये वाला जो है कौन खत्म हो गया जी, कौन किसको मुड़ा दिए पता नहीं, चलो छोड़ो ये नहीं मुड़ाते हैं, इसको नहीं मुड़ाते, यानी कि अभी ये वाला को हम हटा दे रहे हैं। बेसिकली रूट टू के लेमडा बाय आर जो इधर की तरफ आ रहा है उसको हमने दो तरीके से तोड़ दिया, और के लेमडा बाय आर अभी तक तो हम कह रहे हैं ये वाला खत्म हो गया। देख लो ये और ये खत्म हो गया, जो ऊपर जा रहा है के लेमडा बाय आर, जो नीचे जा रहा है के लेमडा बाय आर, ये भी खत्म हो गया। यानी कि एक के लेमडा बाय आर ऊपर बचा और एक के लेमडा बाय आर इधर बचा, यानी कि ई नेट जो आ रहा है वो इतना आ रहा है इधर की तरफ बेसिकली आ जाएगा, नहीं एक ऊपर और एक इधर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा रूट टू के लेमडा बाय आर, है ना, क्योंकि इधर की तरफ आ रहा है के लेमडा बाय आर, इधर की तरफ आ रहा है के लेमडा बाय आर, दैट्स इट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो कि इस रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इधर की तरफ, अगर हम ई ई के रूप में सोचें तो इसने निकाला ई इधर की तरफ, अगर इस वाले के देखें एक ई इधर की तरफ निकाला, एक ई इधर निकाला, और इस वाले ने एक ई इधर निकाला और एक ई इधर निकाला, यानी इस दोनों का तो मामला खत्म ही हो गया, जो बचा होगा सिर्फ इसी कारण बचा होगा, तो वही तो लिखे रूट टू के लैम्डा बाय आर इन दिस डायरेक्शन। मजा आ गया, कॉपी करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब टाइप का है, और थोड़ा नहीं बहुत ही अजीब टाइप का है, तो पहले तो देख लेते हैं कि है क्या, एकदम बड़ा ऐसा हम बना ले रहे हैं ठीक है, ताकि बार बार ना बनाना पड़े। ये सर्कुलर रिंग है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें जो दिया है कि चार्ज जो है वो डिपेंड कर गया है लेमडा नॉट कॉस थीटा के रूप में, आर दिया हुआ है, और इसका जो चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पर, यानी कि थीटा को हम काउंटिंग ऑब्वियसली यहीं से कर रहे हैं, इसको हम एक्स मान देते हैं, इसको हम वाई मान देते हैं। ध्यान सुनना है मेरी बात को, थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है, कॉस थीटा का वैल्यू कॉस जीरो का वैल्यू जीरो, और क्या हो गया आज, कॉस जीरो वैल्यू वन होता है और कॉस 90 वैल्यू जीरो होता है, कुछ नहीं पता नहीं लगता। इसका मतलब यही हुआ कि जीरो डिग्री से इससे आगे बढ़ेंगे तो थीटा का वैल्यू सॉरी कॉस का वैल्यू घटता है, लेकिन पॉजिटिव ही रहता है। चलो अगर कुछ चीज़ों को देख लें, कॉस का ग्राफ में ही बात करते हैं, इधर तो पॉजिटिव आएगा कॉस में, इधर ही पॉजिटिव होता है कॉस, यहाँ पर निगेटिव यहाँ निगेटिव है, सबको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, अरे वो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ कुछ होता है ना, यहाँ पर ऑल होता है पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ सारे पॉजिटिव है तो कॉस तो पॉजिटिव होगा ही, यहाँ कॉस पॉजिटिव तो कॉस तो पॉजिटिव होगा ही, यहाँ पर कॉस और यहाँ कॉस है इसलिए यहाँ पर दोनों निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इस दोनों सेक्शन में जो कॉस का वैल्यू आएगा इधर वाले सेक्शन में पॉजिटिव, इस सेक्शन में निगेटिव आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कह रहे हैं कि थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक, तो ये पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, पहला बात तो ये समझ लो, लेकिन जैसे ही 90 से ऊपर जाएगा तो इस पूरे का वैल्यू निगेटिव होता जाएगा, यानी कि ये पूरे पर निगेटिव चार्ज आएगा, फिर इधर भी निगेटिव रहेगा, अब फिर इसमें पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि कॉस 270 से ऊपर हो गया। लेमडा का वैल्यू डिपेंड कर रहा थीटा पे, देखो ध्यान से, लेमडा डिपेंड कर गया थीटा पे, यहां पर जो साफ दिख रहा है कि लेमडा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा,
तो थीटा का वैल्यू जैसे से बदलेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू बदलेगा, कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा तो लेमडा हो जाएगा निगेटिव ऑफ लेमडा नॉट, उसके हिसाब से काम चलेगा। समझ में आया बात? एक और बात यह है कि जो लेमडा है वो भी कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पर कह देखिए कॉस थीटा थीटा का वैल्यू जीरो है तो लेमडा नॉट हो जाएगा, 90 डिग्री पर चार्ज ही नहीं है, देख लो लेमडा का वैल्यू जीरो, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज है, स्ट्रेंथ है चार्ज का वैल्यू बहुत ज्यादा है, घट गया चार्ज का स्ट्रेंथ घट गया, फिर यहाँ पर भी चार्ज बहुत ज्यादा होगा और फिर धीरे धीरे करके घट गया होगा। सिमिलरली यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज होगा, ऐसे देखो एनालाइज भी करो सवाल को, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ दे दिया बस कुछ कर लेना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो गया होगा, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरीके का है, तो हमको निकालना है इसका, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया? पूरे अच्छे से डिटेल में हम इसका स्टडी करवा दिए, अभी क्लियर हो गया थीटा पर कैसे कैसे डिपेंड करा, उसका चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस पूरे रिंग पर वो दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहले तो भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये देख लेते हैं, इस वाले सेक्शन का ये प्लस चार्ज है, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ही होने वाला है, इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आने वाला है वो इधर ही आने वाला है, माइनस के तरफ ही आने वाला है, इस कारण भी माइनस के तरफ ही आने वाला है। अगर हम एक काम करते हैं कि इसका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जुटने ही वाला है, खत्म नहीं होने वाला है कोई भी, तो हम इस सेक्शन को हटाते रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हम इस सेक्शन का निकालते हैं और उसको डबल कर लेते हैं। नहीं समझ में आया बात? इस पूरे सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अगर सिर्फ हम इस पूरे सेक्शन की बात करें, ये प्लस वाले सेक्शन की बात करें, सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आने वाला है, आई इस पूरे सेक्शन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आने वाला है, तो दोनों का जोड़ देंगे यानी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे का तो निकालने की जरूरत तो है नहीं हमको, पहला बात तो ये सीख गए, तो यही सीखे तो यही करते हैं ना, कुछ नया काम थोड़ी करेंगे। तो हम ये पहले पिक्चर जल्दी से बना लो, हम दूसरा पिक्चर यही बना लेते हैं, कहाँ बना दें, यही बना देते हैं, ठीक है इस तरह से। तो हम क्या किए, छोटा सा सेक्शन काटते हैं क्योंकि इस बार वेरिएबल है तो हमको फिर वही तोड़ना तो पड़ेगा ही, बिना तोड़े तो कोई उपाय है नहीं। अब ये भी सीखे थे, ये पूरा लेंथ क्या हो गया आर डी थीटा हो गया और ये एंगल क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, ये रेडियस आर हो जाएगा और इसको हम कह देते हैं थीटा, यहाँ से है ना थीटा, यहाँ से लेते हैं यहाँ से हम थीटा का वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, इस बार पिछले बार यहाँ से ले थे ना, इस बार हम यहाँ से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो भी दिख जाएगा। तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सीखे थे, अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी आएगा इधर की तरफ और डी का वैल्यू क्या है के, इसका चार्ज क्या होता है लेमडा आर डी थीटा है ना, चार्ज डी क्यू बराबर क्या होता है लेमडा इंटू जो भी लेंथ है लेमडा इंटू लेंथ, लेमडा आर डी थीटा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर की तरफ आ रहा है वो ये हो जाएगा इसका, एक तो ये थीटा है तो देख लो यहाँ ध्यान से ये भी थीटा हो जाएगा, D का cos थीटा इधर बनेगा और sin थीटा इधर बनेगा, sin वाला कैंसिल होते जाएगा तो जुट जाएगा इधर की तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा D का cos थीटा, तो जोड़ते हैं यहाँ से, तो D यही दिख रहा है ना, तो k lambda r d थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटू cos थीटा। सॉल्व करेंगे तो k lambda के जगह आप क्या ले सकते हैं lambda not cos थीटा, r से r खत्म हो चुका है, बाय r इंटू d थीटा इंटू cos थीटा इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको पूरा अच्छा से। अब k लैम्डा नॉट बाय r बाहर आ जाएगा, यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो ध्यान से देखेंगे तो k लैम्डा नॉट बाय r, k लैम्डा नॉट बाय r बाहर आ गया, cos स्क्वायर थीटा अंदर बच गया, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन सबको आता है नहीं आता, हमको पता है cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला सबको रटा हुआ है, तो यहां से लिख सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 इधर चला जाएगा प्लस में आ जाएगा, cos का स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा, तो k लैम्डा नॉट बाय r, तो यहां से इंटीग्रेशन में अगर हम लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे 1 आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस में cos 2 थीटा बाय 2, तो बाय 2 तो यहीं हम भेज लेते हैं सबसे अच्छा रहेगा, 1 प्लस में cos 2 थीटा बेसिकली यहां पर बनेगा इनटू d थीटा,
तो के लैम्डा नॉट बाय टू आर, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, अब प्लस में कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू थीटा बाय टू। ठीक है यहां तक, कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा बाय टू हो जाएगा। अब लिमिट लगाते हैं इसमें, थीटा का वैल्यू पे बात करते हैं। हम कहते हैं इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखना ध्यान से, देखो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना सेक्शन ये है उतना एक सेक्शन ये भी है ना, भले इधर की तरफ ज्यादा चार्ज है उसी तरह से इधर की तरफ ज्यादा चार्ज है, तो भले जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आने वाला है वही तो इसका भी आने वाला है। तो हम एक काम कर, थीटा का वैल्यू जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक चल सकते हैं, या तो एक काम कर सकते हैं थीटा का वैल्यू माइनस 90 से लेकर के प्लस 90 तक चल सकते हैं, जैसे चलना है चलो, है ना, तो वैसे माइनस में 90 डिग्री से प्लस में 90 डिग्री तक चल लो, तब भी बात वही हो जाएगा। तो यानी कि हम बेसिकली काम करते हैं जीरो से 90 डिग्री तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो से नहीं करके हम सीधे चार से कर लेते हैं, एक दो तीन चार सीधे आ जाएगा आंसर, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, टू टू जा फोर, यहाँ से क्या टू के लेमडा नॉट बाय आर, थीटा की जगह पे लिखेंगे पाई बाय टू, क्योंकि 90 नहीं लिखते, पाई बाय टू लिखते हैं ना रेडियन में, प्लस में अच्छा बाय टू, ठीक है 1 बाय टू, और साइन 90 जब 90 इंटू टू ये जीरो हो गया ना, ये तो जीरो हो गया, और जीरो पुट में पूरा जीरो हो जाएगा, यही आ जाएगा आंसर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, के की जगह वही 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाय फोर, पाई से पाई खत्म हो गया, एप्सिलॉन जीरो आर। ठीक है, दैट्स योर आंसर, समझ में आ गया पूरा सेक्शन, मजा आया। इस वाले सेक्शन में क्या सवाल था, कि इस बार था जो पीछे शुरुआत आज का जो लेक्चर था वो यहीं से था, छोटा सा आर्क दिया था, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, सेम काम अभी भी किए, लेकिन दिक्कत ये पिछले बारे में क्या था कि लेमडा सब जगह सेम था, इस बार लेमडा देख लो अलग अलग हो गया सबके लिए। ठीक है, चलिए कॉपी करो, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, है ना, सर्कुलर चार्ज्ड रिंग लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा, चार्ज्ड रिंग एट इट्स एक्सिस। अभी तक हम लोगों ने आर्क निकाला, सर्कुलर वगैरह सब निकाल लिया, हमको अब आर्क नहीं रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके एक्सिस पर। सपोज करो ये रिंग है, रिंग यही दिख रहा है, रिंग इसके एक्सिस यानी सेंटर पर नहीं, सेंटर से इधर इधर यहाँ बाहर या इधर अंदर नहीं दिख रहा, फिर देखो ये रिंग दिख रहा है ऐसे, ये रिंग दिखा, सेंटर यहाँ दिख रहा है, सेंटर नहीं यहाँ पर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पर या इधर, ठीक गया, इस जगह पे। यानी कि अगर हम एक रिंग देख रहे हैं तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला है। ठीक है, ये चार्ज्ड रिंग है, पूरे पर चार्ज है, मान लेते हैं लैम्डा है या फिर नेट चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, सेंटर दिख रहा है, हमको किसी एक्स दिशा में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, क्या करेंगे भाई, तोड़ो जोड़ो और कुछ नहीं करना, छोटा सा चार्ज मान लेते हैं इसका, यहां पर डी क्यू चार्ज मान लेते हैं, इस छोटे सारे कार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, जिसका नाम हम दे देंगे डी, क्या दे देंगे डी, किसी एंगल थीटा पर बात कर रहे हैं तो डी का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ये अगर थीटा होगा तो भी थीटा हो जाएगा, इधर बनेगा डी का कॉस थीटा, इधर बनेगा डी का साइन थीटा, वर्टिकली अपोजिट सेक्शन का बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, उसका कॉस थीटा इधर, साइन थीटा इधर, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट, बचेगा डी का कॉस थीटा, रोना धाना वही है, सेम गाना है, पीछे का जो गाना गाते आए हैं वही करेंगे, जोड़ देंगे डी कॉस थीटा को, तेज बोल दिए, फिर से सुनो, छोटा सा चार्ज तोड़ेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर आने, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, अगर इधर वाले के कारण बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, उसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इधर वाला इधर वाला काट देगा, जो बचेगा डी कॉस थीटा बचेगा, डी कॉस थीटा बचेगा, उसको जोड़ देंगे छोड़ेंगे नहीं तो बस छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, तो जो बचेगा वो यही बचेगा डी का कॉस थीटा, बचेगा डी, डी क्या है, डी क्या है, डी क्या है, डी है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इसका डी क्यू है, आर क्या हो जाएगा यहां से तक का लेंथ,
लेंथ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर ही होना चाहिए, है ना जी। तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये डीई हो क्या। तो क्या लिखोगे, डी की जगह पे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट तो खत्म हो गया। और कॉस थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह पे बेस बाय दिस वन, यानी कि एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। अब देख लो एक्स तो भाई फिक्स डिस्टेंस है सेंटर से, वो तो फिक्स है, आर भी फिक्स है, यानी कि पूरा चीजें कॉन्स्टेंट है चार्ज को छोड़ करके। तो के एक्स बाहर आ गया, अंदर में हो गया आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर का पावर वन और पावर हाफ, वन और आधा को जोड़ेंगे, एक और आधा जोड़ेंगे, डेढ़ हो जाएगा क्या, डेढ़ मतलब थ्री बाई टू, और अंदर बच गया डी क्यू, और डी क्यू को जोड़ोगे क्या मिलेगा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू 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 क्यू, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू पावर थ्री बाय टू, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको एक बात पता है कि चार्ज बराबर होता है लैम्डा इंटू लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टू पाई आर भी हो जाएगा। हम ये भी पुट कर सकते हैं तो क्यू के जगह पे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, के जगह पे लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के जगह पे लैम्डा टू पाई आर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेज टू द पावर थ्री बाई टू। क्या बात है, टू पाई खत्म। तो क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, देखो लैम्डा आर एक्स बच गया, लैम्डा आर एक्स बच गया, यहां से बचा टू आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेज टू द पावर थ्री बाय टू, दिस इज ऑल्सो योर इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों यूज करते हैं हम लोग ज्यादा, हम इसका ज्यादा यूज करेंगे के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर रेज टू थ्री बाय टू, ये भी कभी कभी लैम्डा के रूप में भी पूछा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजिशन यहाँ पर, हाँ इधर उधर नहीं निकाल सकते हम, ये भी याद रख लो पहले बात, सिर्फ एक्सिस पर ही निकाल सकते हैं, सेंटर पर निकाल लिए, अब एक्सिस पर निकाले, एक किसी जनरल पॉइंट पर हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, कान में घुसेड़ लो। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी करो इसको क्योंकि बहुत कुछ है। लगता है फोकस बार बार भाग जा रहा है, थोड़ा कंट्रोल से देखना, पॉज उस करके थोड़ा, है ना, पता नहीं क्यों भाग रहा है। अभी हम लोगों ने सीखा एक सर्कुलर रिंग है उसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना निकाले थे, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाय टू, है ना, या फिर लैम्डा आर एक्स बाय टू टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाय टू। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है सेंटर पर जीरो होता है, पता है ना, इतना तो पता हो गया होगा बाबा अब तक, और इन्फिनिटी पर भी जीरो होना ही है क्योंकि कोई भी चार्ज का इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना ही है, और कह रहा है यहां पर है, यानी कि हम एक बात समझ लो, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेंटर पर तो जीरो है और इन्फिनिटी डिस्टेंस पर अगर एक्स का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा, और कह रहा है बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं मैक्सिमम रीच क्या होगा, फिर जीरो हुआ होगा, प्लस है अगर, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही निकलने वाला है, जिसमें प्लस डायरेक्शन में बात की है, और अगर ये प्लस है इधर की तरफ तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इधर की तरफ को हम निगेटिव लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी तो कहीं ना कहीं फिर से जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा। तो हमको ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम होगा और कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम होगा और कितना होगा, ये हमको पता रहना चाहिए। बोलो एक्स बाय आर बाय रूट टू पोजिशन पे रहता है, माइनस में आर बाय रूट टू पोजिशन पे रहता है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो निकालते हैं ये कैसे आया। तो हमको पता चल चुका है ई बराबर होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेज टू द पावर थ्री बाय टू। तो हमको निकालना है फॉर ई मैक्सिमम डी ई बाय डी एक्स बराबर जीरो, ये सीखे है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और जीरो कर देंगे। अब ये तो u बाय v के फॉर्म में है, तो u बाय v का डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखते थे, v का स्क्वायर और v बाहर आ जाएगा, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस में u बाहर आ करके v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि अगर हम निकालते हैं, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो लिख दिए,
बराबर क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस मैक्स का स्क्वायर रेस्ट टू थ्री ही बचेगा, बट स्क्वायर करोगे तो दो से दो खत्म हो जाएगा। अब फिर इसी को पकड़ के बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस मैक्स का स्क्वायर रेस्ट टू थ्री बाई टू बचेगा। अब फिर के क्यू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, के क्यू तो कॉन्स्टेंट है और एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा वन, फिर माइनस, इस बार के क्यू एक्स को बाहर निकाल लेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले को। अब इस पे पावर कितना है, थ्री बाय टू, क्या लिखें, एन एक्स एन माइनस वन, एन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर थ्री बाय टू माइनस वन इन टू, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर वाले का, इस अंदर वाले का अगर डिफरेंशिएट करेंगे अब इससे बचेगा। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, लाइट आ रहा होगा ना, जीरो इक्वल टू नीचे में क्या हो जाएगा, यहां से इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर प्लस मैक्स का स्क्वायर पर पावर थ्री, फिर यही बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस मैक्स का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर थ्री बाय टू, के क्यू बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा, माइनस में के क्यू एक्स बाहर आ गया, इसका हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन इन टू, फिर इसका डिफरेंशियल आर तो कॉन्स्टेंट था जीरो, प्लस मैक्स का स्क्वायर हो गया टू एक्स, इसको जीरो कर लेंगे, ये तो जरिए जीरो हो जाएगा। अब देखो ये पावर थ्री बाई टू और ये हो गया इतना, ठीक है, और के क्यू दोनों में कॉमन आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो गया, तो जीरो बराबर क्या बच गया, देखो तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर जो है पर पावर थ्री बाई टू है, यहाँ पर हाफ है, तो बेसिकली पावर हाफ तो बाहर आ ही सकता है, अगर यहाँ पर से पावर हाफ बाहर आ जाएगा तो बचेगा वन, यानी कि आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर बच गया यहाँ पर, अरे हाफ बाहर आ गया तो बच गया ना वन, यहाँ डेढ़ है ना, अब फिर माइनस बचा, यहाँ पर से बचा थ्री बाई टू है ना, अच्छा टू से ये भी खत्म हो गया, ठीक है थ्री, और यहाँ से ये तो बाहर ही आ गया हाफ, तो बचा सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो, अब ये बाय होकर के जीरो आ जाएगा यहाँ से, थ्री एक्स हो गया यहाँ से, पूरा का पूरा कहानी, ठीक है सही आ रहा है जी, x भी है यहाँ पर, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया यहाँ से टू एक्स का स्क्वायर, और x बराबर हो गया प्लस माइनस में आर बाय रूट टू, दिख रहा है x का वैल्यू जिस जगह पे हम बोले थे कि ये मैक्सिमम आ जाएगा, सॉल्व करो जल्दी से, और इसी x को अगर हम पुट कर देंगे इस जगह पे यहां पर और यहां पर, तो e का मैक्स का वैल्यू आ जाएगा, e मैक्स का वैल्यू आ जाएगा, पहले पुट कर लो यहां पर तब दिखाते हैं, चलिए करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो मैक्सिमम का वैल्यू अगर निकालेंगे e मैक्स के बराबर क्या जाएगा, के क्यू एक्स जाएगा, लेकिन r अपॉन रूट टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बाय टू पर पावर थ्री बाय टू, ठीक है, इज इट ओके, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो टू अपॉन रूट ट्वेंटी सेवन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा इसका पूरा रिजल्ट, ठीक है, अच्छे से लिख सकते हो उसको, टू अपॉन थ्री रूट थ्री के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के के जगह पे लिख सकते हैं थ्री रूट थ्री, के के जगह पे लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के जगह पे लिख सकते हैं लैम्डा इनटू टू पाई आर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर खत्म हो गया, टू पाई खत्म हो गया, तो क्या बचा, लैम्डा अपॉन थ्री रूट थ्री एप्सिलॉन जीरो आर, ठीक है, ई मैक्स का वैल्यू आ गया। इस पूरे कहानी का मतलब यही हुआ कि अगर हम रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, सेंटर पर जीरो था, इन्फिनिटी पर भी जीरो था, तो कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम अचीव किया होगा, वो होगा एक्स का वैल्यू आर बाय रूट टू पोजिशन पे, जिसका वैल्यू होगा मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई मैक्स का वैल्यू लैम्डा अपॉन थ्री रूट थ्री एप्सिलॉन जीरो आर, और उसी तरह से निगेटिव में भी गया होगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू माइनस में आर अपॉन रूट टू, और ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री अब सेवन जीरो आर,
समझ में आ गया बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का पूरा ये पिक्चर है ये, एक्स में इधर भी एक्स में। सारे डेटा याद रहने चाहिए, कॉपी करो जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं, सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, मान लेते हैं कि मेरे पास एक रिंग दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है और इसमें छोटा सा सेक्शन काट दिया गया है, ये पूरा चार्ज है, ठीक है, एकदम छोटा सा सेक्शन डी क्यू काट लिया गया है इसमें से, मतलब डी एल लेंथ का सेक्शन काट लिया गया है, कह रहा है ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बता सेंटर पर कितना होगा, ठीक है, छोटा सेक्शन यहाँ से ऐसे उड़ा दिया गया, कह रहा है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। अगर ऐसा नहीं होता, ये कटिंग नहीं होता, सेंटर पर तो जीरो होता नहीं, यहाँ पर कटने के कारण कुछ तो मामला फंसा है, क्या मामला फंसा है उसको समझो। अगर हम बोलें कि ये बहुत छोटा सेक्शन काटा गया तो इस वाले सेक्शन अगर ये जीरो क्यों हो रहा था, क्योंकि हर एक सेक्शन मान लेते हैं इस सेक्शन के कारण बात करते हैं, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया है तो इसका जस्ट अपोजिट वाले सेक्शन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया होगा तो नेट जीरो हुआ होगा। बात समझ में आ गई है, इस वाले ने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर बनाया होगा इस छोटे सेक्शन ने उतना ही बड़ा लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया होगा तो नेट जीरो बना होगा इसका, और हर एक छोटे छोटे सेक्शन ने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किया है, यहाँ पर सबका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के चक्कर में। अगर हम वही बात करें कि इस वाले के जस्ट अपोजिट सेक्शन की बात अगर हम करें ऐसे, तो इस वाले ने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर बनाया है जो भी डीई बना होगा वो इसने खत्म करना होगा, खत्म किया होगा, लेकिन अभी तो वो है नहीं, ये है नहीं, तो यानी यही वाला बच गया है और यही है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर। बात समझ में आ गई नहीं आया, फिर सुनो, हर एक छोटे छोटे सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाया होगा इस उसके जस्ट अपोजिट वाले ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके खत्म किया, लेकिन इस वाले इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बनाया, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने बनाया ऐसे उसको खत्म करने के लिए आया ही नहीं, यानी जो बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड इसी कारण बचा, हम वही निकाल लेना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, जो भी वही डी छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा के छोटा सा चार्ज जो इसका बना होगा है ना, अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस तो सेंटर पे ही है, तो के छोटा चार्ज क्या हो जाएगा, कितने सा का चार्ज क्या हो जाएगा, हमको दिया इसका पूरा चार्ज क्यू है, तो हम बोलेंगे भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ टोटल लेंथ बराबर छोटा सा चार्ज बाय छोटा सा लेंथ, क्योंकि डीएल लेंथ इसका भी हो तो इसका भी लेंथ होगा, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डीएल, क्यू डीएल अपॉन टू पाई आर बाय आर स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा के क्यू डी एल अपॉन टू पाई आर का क्यू, ये हो जाएगा डी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जबकि एक रिंग है जिसका चार्ज दिया हुआ माइनस क्यू, यानी इस पूरे रिंग पर माइनस क्यू चार्ज है, और एक चार्ज और है जो कि प्लस क्यू है इसके सेंटर पर रखा हुआ, इस दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होगा, वो निकाल दो। कंडीशन दिया है कि एक्स बहुत बड़ा है आर से, एक्स बहुत बहुत बड़ा है आर से, चलो ठीक है, बाद में देखा जाएगा एक्स का वैल्यू, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह आएगा वो भी देख लेते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पता है ना, वन प्लस में एक्स रेज़ टू द पावर एन बराबर क्या होता है, वन प्लस में एन एक्स है ना, जबकि x जो है बहुत बहुत छोटा हो वन से है ना, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसको। खैर अब बात करते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैसे होगा, इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा जिसको हम की प्लस कर देते हैं, और इस माइनस वाले रिंग के कारण देखो प्लस था तो इधर की तरफ बंदा था, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा जिसको हम ई माइनस कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई प्लस और माइनस में ई माइनस है ना, तैसे आ जाएगा, तो ई नेट जो यहाँ बनने वाला है, तो प्लस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ था और माइनस वाले कारण इधर की तरफ है, जो दोनों घटा देंगे, तो ये प्लस समझ में समझने के लिए बस ये बता रहे हैं कि प्लस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस लिखने का मतलब है कि माइनस वाला रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ई प्लस के बारे में बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पर क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर,
यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी यहां से तक का डिस्टेंस एक्स है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। माइनस में रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तुरंत निकाले हैं, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू पावर 3/2, इसी को सॉल्व करना है। तो के क्यू तो बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। अब कह रहा है एक्स बहुत बड़ा है, एक्स बहुत बड़ा है, पहले तो इसको ऊपर नीचे कर लो, है ना, के क्यू यहां से एक्स का स्क्वायर, और क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है तो आर बहुत छोटा हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो एक्स का क्यू बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखो तो एक्स का स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स का क्यू बचेगा, यानी आर स्क्वायर तो खत्म हो गया ना इस कंडीशन में, जीरो हो जाएगा, फिर इसी चीज को ऊपर करेंगे, दिक्कत हो गया क्या, बाद में कर लेंगे, है ना, अभी सॉल्व कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस्ट पर 3/2। ये सारे स्टेप याद रख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवाल को सॉल्व करना, देखो ये सब सवाल हम इसलिए करवाने क्योंकि ऐसा स्टेप बार बार आ रहा है, तो इन स्टेप्स को कैसे डील करना है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर ऊपर लेके जाते हैं, नीचे वाले में हम पहले तो ये चीज लगा लेते हैं कि जीरो हो गया, और ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व करते हैं, है ना, उसी में जो करना है करना है, इसको यहाँ कर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 हो गया, और माइनस में यहाँ पर जो एक्स का क्यूब, है ना, खैर तो के क्यू यहाँ दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, यहां से क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है और आर बहुत छोटा है, ठीक है, एक काम करते हैं हम यहां से एक्स को हम एक्स का स्क्वायर को हम पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं, एक्स का स्क्वायर को पकड़ के बाहर निकाल लेंगे तो एक्स का क्यूब बाहर आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर को बाहर निकाल लोगे तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्यों बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 बच गया पर पावर 3/2 माइनस में एक्स का क्यूब अपॉन यहां पर से एक्स का स्क्वायर खत्म हो गया, नीचे वाले में हम आर को जीरो मान लेंगे, ऊपर में नहीं मानेंगे नीचे में जीरो मान लेंगे, अगर ऊपर में जीरो मान लोगे कुछ बच भी नहीं करेगा, तो मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो मामला ही खराब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ पर एक्स का क्यूब बचेगा। अब देखो ये चीज जो है हमारा बहुत छोटा हो गया, एक्स बहुत बड़ा हो गया, ये पूरा का पूरा छोटा हो गया, तो हम इसको इसमें लगा सकते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यहीं पर पूरा मामला फंसा था, तो के क्यू अपॉन एक्स का पावर 5 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा एक्स और 3 1 प्लस, देखो 1 प्लस एक्स ये दिख रहा है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या बचेगा 3/2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स का क्यूब, ठीक है, तो एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इसको भी, तो एक्स क्यू वाला तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहां से के क्यू अपॉन एक्स ऑफ 5 यहाँ के 3/2 आर स्क्वायर और एक एक्स बचेगा, तो बेसिकली सॉल्व करने से हमको दिख रहा है 3/2 के क्यू आर स्क्वायर अपॉन एक्स ऑफ 4 दैट्स योर आंसर, है ना, दैट्स योर आंसर, इज इट ओके, सॉल्व कर लो, मजे आ गए। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है, और ध्यान से देखो, ये तो पता रहना ही चाहिए सबको, SHM आना ही है जब ये पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर चार्ज है, मान लेते हैं क्यू प्लस क्यू है, तभी कहते हैं कि हमने सेंटर से किसी बहुत छोटे डिस्टेंस एक्स के ऊपर हमने माइनस क्यू चार्ज को हमने रखा है, इसका रेडियस आर दिया हुआ, ये एक्स बहुत छोटा है, एक्स इज मच मच स्मॉलर देन आर, अब बताओ क्या होगा, ये प्लस चार्ज अगर है यहाँ पर तो प्लस वाला माइनस वाले को तो खींचेगा, और यहाँ से अगर हम छोड़ेंगे तो खींचेगा तो बीच में से सड़ाक निकलेगा, इसको निकलेगा तो फिर इधर जाएगा, ये भी खींचेगा, ये बीच में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रह जाएगा, समझ में आ गया मामला, तो कुछ है नहीं, इस वाले पे कितना फोर्स लग रहा है वो बराबर एम ए हो जाएगा, इसका मास अगर एम दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधे बोलते हैं फॉर SHM क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग जो फोर्स होगा, ये ना बोलते बार बार रिस्टोरिंग फोर्स वो एम ए के बराबर हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स कौन जनरेट करेगा भाई, इस रिंग ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट किया वो पता है, इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग बराबर मास इंटू एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्सप्रेशन बराबर क्या हो जाएगा,
क्यू, ये एक्सप्रेशन लिखे क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का रिंग क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 बाय मास, तो क्यू बाय एम और के के जगह क्या लिख सकते हैं 4π ε0 क्यू एक्स अपॉन, और एक्स बहुत छोटा है तो हम एक्स को जीरो मान लेते हैं तो आर का पावर 3 आ जाएगा। यहाँ से हो गया एक्सलेशन, साफ दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा टर्म ओमेगा स्क्वायर है ना, बाय कंपेरिजन लिख सकते हो, बाय कंपेरिजन एक्सलेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है हमको क्यू क्यू अपॉन 4π ε0 एम आर का क्यू, तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या 2π√ 4π ε0 एम आर का क्यूब अपॉन क्यू क्यू, दैट्स द आंसर। अगर उसी तरह से एक सवाल होगा न्यूमेरिकल क्या रहता है इसमें, किसके कुछ चार्ज दे दिए यहाँ पर से बोला इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू यहाँ पर क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लेना है, रिंग का चार्ज हमको पता है, रेडियस दिया हुआ रहेगा, मास दिया हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन का, सॉल्व करो 4π ε0 का वैल्यू पता है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना, कह रहा है कि एक रिंग है और एक सेमी इन्फिनिटी का चार्ज्ड रॉड है, सेमी इन्फिनिटी का चार्ज्ड रॉड है और इसका चार्ज लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2 है, रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया या फिर इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, फोर्स के बारे में बात हो रही है, फोर्स बराबर क्या होता है क्यू इंटू ई। सॉल्व करते हैं इसको, दो तरीके सॉल्व करेंगे इसको, पहला नंबर में मेथड 1 पे बात करते हैं, हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इन्फिनेटली चार्ज रॉड है ना, सेमी इन्फिनेटली चार्ज रॉड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख दिए सॉरी ऐसे करके। अगर हम बात करते हैं कि अगर ये चार्ज्ड है तो हम बोलेंगे भाई इस पूरे ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, इस वाले ने, अगर हम सिर्फ एक सेशन के ऊपर बात करें, छोटे सेशन के बारे में बात करते हैं, छोटा चार्ज क्यू है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, याद है एक इधर बनाता और एक इधर बनाता था, क्या बनाता था, के लैम्डा बाय आर है ना, तो के लैम्डा 2/r डिस्टेंस से बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी k लैम्डा 2/r डिस्टेंस पर ऐसे बनेगा, सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, जो इधर वाला होगा वो इधर वाले को कैंसिल आउट कर देगा तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही बनने वाला है, और इसके ऊपर जो फोर्स आने वाला है छोटा छोटा चार्ज dq को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख सकते हो पूरे कहानी में ये जो अगर रिंग है इस रिंग के ऊपर इधर की तरफ वाला जो ऐसे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगने वाला है ना, देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखेंगे तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाला बनने वाला है बाहर की तरफ वाला ऐसे वाला वो सब खत्म हो जाएगा, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा इधर वाला बचेगा और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देगा, फोर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो फोर्स नेट आने वाला है इस पूरे रिंग पर, तो रिंग पर अगर हम देखेंगे तो हर समय फोर्स इधर की तरफ ही दिखने वाला है क्योंकि इधर वाला सारा खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी तो सब खत्म होते जाएगा, कोई दिक्कत है, इसका इधर आएगा उसका उधर आएगा सब खत्म हो जाएगा, तो एफिनेट सिर्फ इधर की तरफ आएगा रिंग के ऊपर, तो एफिनेट क्या आ जाएगा, इसी को जोड़ देंगे इंटीग्रेट कर देंगे तो के लैम्डा 2/r इनटू dq ये जोड़ देना है, तो के लैम्डा 2/r तो फिक्स है, अंदर में dq को जोड़ेंगे तो dq को जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा लेंथ यानी पूरा पूरा चार्ज जाएगा, तो पूरा चार्ज क्या जाएगा क्यू क्यू बराबर क्या जाएगा लैम्डा 1 इंटू 2/r, तो के कैसे लिख सकते हैं 1/4π ε0 लैम्डा 2/r और डी क्यू जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा है ना, और क्यू को जोड़ेंगे तो लैम्डा 1 इंटू 2π r आ जाने वाला है, यहां से 2π से 2π खत्म हो गया, तो यहां से हो गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 r से r भी खत्म हो गया जी, तो बचा गया 2ε0, क्या बात, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय 2ε0 गुड आंसर, ठीक है। अभी निकाले फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू सेमी सर्कुलर रॉड, ठीक है, रिंग के ऊपर रॉड ने कितना फोर्स निकाला, अब हम निकालेंगे रिंग ने
रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगाया? ये रिंग था अभी और ये रॉड है, ध्यान से ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर है हमारे पास लेमडा वन और इसका है लेमडा टू। अब हम निकालना चाहते हैं, ये है मेथड टू, हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग। तो फोर्स ऑन रॉड निकालेंगे तो रॉड का छोटा छोटा सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। हम मानते हैं किसी डिस्टेंस एक्स के ऊपर छोटा सा चार्ज काट लेते हैं और इस पूरे रिंग ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही निकालना है और इसका चार्ज का मान लेते हैं वैल्यू डी क्यू है, इसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, इसका चार्ज डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग, क्या हो जाएगा? तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग। कुछ जोड़ देना पड़ेगा कहां से कहां तक, एक्स बराबर जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, है ना? ऐसा ऐसा बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनते जाएगा ऐसे ऐसे करके, सब पकड़ के रॉड को उधर धकेल रहा होगा, तो सबका जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक में हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां से आ गया जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक में, डी क्यू के जगह पे क्या बात करेंगे, डी क्यू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं छोटा सा सेक्शन काटे हैं डी एक्स लेंथ का, तो लेमडा डी क्यू इक्वल टू लेमडा टू इंटू डी एक्स हो जाएगा। इज इट ओके? डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा टू इंटू डी एक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग तो पता है क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस मैक्स का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। क्यू इक्वल टू 2/r भी होता है, आर इंटू लेमडा वन, है ना, वो भी लिख सकते थे लेमडा वन इंटू 2/r इंटू एक्स। के की जगह आप लिख सकते हैं 4 pi एप्सिलॉन नॉट, 2 pi से 2 pi खत्म हो गया, जो चीज बाहर आ रहा है देख लो लेमडा वन और लेमडा टू आ रहा है, आर आ रहा है यहां पर से 2 आ रहा है, एप्सिलॉन जीरो भी आ रहा है, अंदर में क्या बच गया, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस मैक्स का स्क्वायर रेस टू दावर 3/2 जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। अब इसको सॉल्व करना है, इनको लेट कर लेंगे यहां से, एक्स का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर को मान लेते हैं टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स, आर का वैल्यू हो गया 0 इंटू डी टी हो गया, और x डी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन 2, तो लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू आर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0, 2 जो था वो नीचे आ गया है, यहाँ पर हो गया डी टी अपॉन टी का पावर 3/2। सॉल्व कर लेना है अब, ठीक है, टी का पावर ऊपर जाएगा माइनस में 3/2 हो जाएगा, उसके पावर प्लस में मैंने कर लेंगे, है ना, वो भी कर ही दे, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, सॉल्व करने के बाद वही मिलेगा लेमडा वन लेमडा टू बाय टू एप्सिलॉन जीरो, है ना, ये आ जाएगा। जो पूरा कहानी है वो यही कहने का मतलब है कि भाई तुम मेरे के ऊपर जितना फोर्स लगाओगे वही फोर्स हम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। अब डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, हमको नहीं पता मेथड वन आता है कि मेथड टू आता है, तो इसलिए हम दोनों बता दिए, दोनों के ऊपर पहले प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है कभी, लेकिन इससे हम क्या सीख रहे हैं, पहला नंबर तो इंटीग्रेशन सीख रहे हैं और कैसे अप्रोच कर रहे हैं, देखो एक ही सवाल को दो तरीके से, ये भी सीख रहे हैं, ये सीखना इंपॉर्टेंट है, अभी लर्निंग प्रोसेस है, कोई ज़्यादा तुरम खान नहीं बनना है घर में बैठे बैठे, ठीक है, कि हमसे सवाल नहीं बनता है, अभी सीखो पहले बना कैसे रहे हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अच्छे अच्छे सवाल बना लिए हैं अब, ठीक है, तब धीरे धीरे करके हम लोगों ने सवाल की तरफ, अब जब टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद तुमसे अच्छे अच्छे सवाल बनने लगेंगे, ठीक है, अभी तो पूरा प्रॉपर तरीके से नोट बनाओ, है ना, नहीं बनाओगे तो वर्चुअल पढ़ाई हो रही है तो ये भी इशू है, कोशिश करो नोट्स बनाने का पूरे अच्छे से, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं फिर खत्म कर लेते हैं आज का सेशन। ये 3D में पिक्चर है, दिख रहा होगा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये ए डिस्टेंस है यहाँ से तक का, ये भी ए डिस्टेंस दिया हुआ, कह रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ। ये बेसिकली पिक्चर कैसे, ये देख लो ध्यान से, ये रहा तार, ऐसे गया ऐसे गया यहाँ तक खत्म हुआ, फिर से देखो ऐसे घुसा ऐसे, फिर से देखो ऐसे आया ऐसे, कह रहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना हो। सबसे पहले अगर हम इसे अगर हम बात करें इस वाले करंट, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इसके कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा,
देखो अगर ये रॉड है ऐसे सेमी इन्फिनिटी रॉड है, अगर मान लो ऐसे तुम्हारे तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, दिखा कि नहीं दिखा, फिर से देखो ये रॉड है इसके अंदर, यहाँ पर पूछ रहे हैं हम तुमसे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एक इधर की तरफ, इसके दोनों तरफ बाहर ही आता था, एक उधर और एक इधर, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर पूछ रहे हैं तुमसे यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, जिसको हम कह देंगे ई और इसका ई, और एक सेमी सर्कुलर है इसके हम इधर आने वाला है, जिसको हम कहते हैं टू ई, इसका डबल आता था अभी बार बार सीखे हम लोग, जो ई नेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स के तरफ ई आई कैप हो गया, वाई के तरफ हो गया माइनस में टू ई वाई टू ई जे कैप, और हो गया माइनस में ई के कैप, और ई बराबर क्या था के लेमडा बाय आर, तो ये हो गया के लेमडा बाय आर बाहर आ गया, आई कैप माइनस में टू जे कैप माइनस में के कैप, दैट्स द आंसर। आज बहुत किस कुछ सीखे है ना, हम भी बहुत लेट हो गया, 12 बजने वाला है, थक गए है ना, कोई बात नहीं, कभी कभी सांस लेना चाहिए, बहुत घर में सांस ले रहे हो, ठीक है। जितना चीज़ आज पढ़ाएं, पहला काम तो ये करो कि घर में बैठो और प्यार से एक एक क्वेश्चन को फिर से बनाओ, बार बार बनाओ, जितना बार बनाओगे दो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हो गए, सवाल भी आज बहुत सारा हो गया, डिफरेंट वैरायटी के भी हो गए, सिर्फ एक सर्कुलर आर्क के ऊपर, फिर रिंग के ऊपर, फिर रिंग और रॉड सब लग गया, अभी बहुत कुछ है बाकी, अपने से घर पे सवाल बनाओ, डील करो, देखो अब कैसे कैसे चीज़ें काम करती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, सीखे होगे कुछ, और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, बाकी यही रोना धोना था ही रोज़ का, मिलते हैं, बाय बाय, बाय।